चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने दो तीन बार, चार बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए, और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। फर्स्ट ये आज थोड़ा हम तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4th जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4th। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं 1st जून, मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था, तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3rd जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। अगला स्लाइड दिखाइए जरा, ये देखिए 31 मई मैसिव स्टॉक एक्टिविटी, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 30th, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 29, 28। ये अनोमली देखिए, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं, और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। आप आरोप लगाए लोकसभा चुनाव में विपक्ष की हार की हताशा से अभी तक शायद राहुल गांधी जी उभरे नहीं है। अब वो मार्केट के इन्वेस्टर्स को भी गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, कहा फ्रेजाइल 5 और आज टॉप 5, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया इस बात को आज स्वीकार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आश्वस्त किया है कि इस टर्म में देश विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, और यह साधारण उपलब्धि नहीं है। पूरा विश्व इसको गहराई से देख रहा है, बड़ी गंभीरता से देख रहा है, समझ रहा है कि ये आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होने जा रहा है।